एक निजी कार्यक्रम में शिवपाल सिंह यादव गोरखपुर पहुंचे हैं। यहां मीडिया से बात करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि योगी सरकार में अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो उनको अपराध को कम करना चाहिए। वहीं मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर सवाल किया गया कि आपके द्वारा हमेशा ये मांग की जाती है। इस बात पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं। राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के सवाल पर वह बचाव की मुद्रा में कहे कि अभी मुझे कोई लेटर नहीं मिला है। तो हत्या तो है वकील, और उससे इस तरीके की कई हत्याएं हुई। अब सरकार को उस पर काम करना चाहिए। पहले तो उन्होंने जो कहा था सरकार ने, तो कम करना चाहिए सरकार को कम करना चाहिए। जो सरकार ने, मुख्यमंत्री ने या सरकार के लोगों ने जो वादे किए हैं, तो उसे पूरा लाइन आर्डर के बारे में, विकास के बारे में वो पूरा करना चाहिए। नेताजी को हमेशा आप जो है बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की, तो क्या अभी भी आप कायम अपनी बात के? देखिए, इस पर अब मुझे कुछ नहीं कहना है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं समाजवादी पार्टी में, अब क्या बात करें। 2019 को लेकर आपकी क्या तैयारी रहेगी? अब हमारी पार्टी है जो काम करे। इस बार उम्मीद की जा रही है जो आपके खेमे के कार्यकर्ता हैं, जो आपको चाहते हैं, वो ये उम्मीद रख रहे हैं कि इस बार आप फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ उभरेंगे और इस बार मुख्य भूमिका में होंगे, तो इस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, अभी कोई खेमा नहीं है, और जो हमें जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी को हम पूरी तरह से निभाएंगे। आपको राष्ट्रीय महासचिव बनाने की बात चल रही है, तो ऐसे में क्या ये जिम्मेदारी लेंगी आप? याद अभी तक मैं लेटर तो मिला नहीं, अगर मिलता है लेके दे दो तब निकलेगा। नहीं, ठीक है।